हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेके आए हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बच्चों आप जानते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन में, लेकिन कुछ स्पेशल कीटोन होते हैं जिनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ती है, और उस स्पेशल मेथड का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बच्चों इससे स्पेशल टाइप के कीटोन बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बच्चों कन्वर्जन ऑफ 1,2 ग्लाइकोल इनटू रीअरेंज कीटोन ऑन हीटिंग इट विद सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक एसिड। बच्चों यहां पे हमने एग्जांपल लिया है, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक लंबा चेन, ये वाला मेन चेन है, इस पर ये मिथाइल लगा, इधर OH लगा, तो IUPAC नेम किया, नाम बनेगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,2 डाइओल। इसका कॉमन नेम होता है पिनाकोल। तो पिनाकोल को हमने हीट किया एसिडिक कंडीशन में, आप जानते हैं सल्फ्यूरिक या फॉस्फोरिक में से कोई सा एक एसिड लेना है। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि दो OH जो एडजेसेंट पोजिशन पे है उनमें से एक OH जो होता है वाटर बना के बाहर आ जाता है और एक OH जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कीटो में। तो बच्चों यहां पे स्पेशल टाइप का कीटोन बना है, इसका नाम होता है पिनाकोलोन। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन कहलाता है पिनाकोल टू पिनाकोलोन। यहां पे रीअरेंज कीटोन बनता है और प्रोसेस का नाम होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आइए अब जानते हैं इसका मैकेनिज्म। जानते हैं मैकेनिज्म की कैसे बनता है पिनाकोल से पिनाकोलोन। तो आइए पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ डाइओल। डाइओल को जब आप हीट करते हैं एसिड के साथ, देखिए HII लिया हमने फ्रॉम एसिड, तो आपको पता है कि OH जो होता है यहां से लोन पेयर्स के पास जाएगा, क्योंकि ये काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है लाइक इलेक्ट्रोफाइल और OH कर रहा है लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग होता है और ये तुरंत इस पर अटैक करेगा, अपना लोन पेयर्स को देगा। सर जब ये लोन पेयर इसको डेफिशिएंट H+ को देगा तो उसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और ये बनेगा OH2 और प्लस चार्ज कैरी करेगा और ये कहलाता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। और अब ये कहलाएगा कंपाउंड हमारा प्रोटोनेटेड डाइओल और ये लेस स्टेबल होता है। अगले स्टेप में ये जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर। जो हमारा प्रोटोनेटेड डाइओल बना है उसे वाटर रिमूव होगा, तो आप देख पा रहे हैं अगले स्टेप में यहां से ये वाटर रिमूव हुआ, -H2O आप देखा है, उसके बाद ये बना आपका कार्बोकैटायन। अब बच्चों जो हमारा जो कार्बोकैटायन बना है यहां पर 1,2 न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है और 1,2 न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट जो होता है। बच्चों अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा, यहां पर 1,2 न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट होगा। जैसे ये देखिए यहां से ये वाला मिथाइल इस वाले कार्बन पे जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं 1,2,1 पर जा रहा है सेकंड पोजीशन से और ये कहलाता है मिथाइल शिफ्ट। आप जानते हैं सेम टाइम ये एच यहां पर आ जाएगा, तो आप देखिए ये बनेगा क्या। तो इसको भी रोक लेते हैं स्टेप को, इसको स्टेप को भी रोक लेते हैं बच्चों, ये वाला स्टेप देखते हैं ग्रेजुअली। तो आप देखिए बना क्या, जब ये होगा तो आपका रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, तो यहां पर लिखेंगे मिथाइल शिफ्ट। तो बच्चों मिथाइल शिफ्ट होने के बाद कंपाउंड कैसा दिखेगा, तो ये CH3 हमको यहां पे लगाना है। कौन सा आएगा बच्चों, यहां पे चार्ज आएगा प्लस, ये देखिए यहां पर चार्ज कौन सा आया, प्लस आया, तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। अभी जो बना है कार्बोकैटायन ये लेस स्टेबल है अभी कुछ ऐसे, ये देखिए यहां पर ये अंदर गया और अंदर जाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट यहां पे -H+। सर ये वही H+ है जो आपने एसिड से लिया था, बिकॉज कैटलिस्ट होते हैं ये और कैटलिस्ट आप जानते हैं रिएक्शन कंज्यूम नहीं होते हैं, ये एज सच रहते हैं, इनकी फॉर्म स्टार्टिंग में और लास्ट में सेम ही रहती है। तो H+ जो है एसिड का था, कैटलिस्ट एसिड का जो यूज नहीं हुआ है। अब बच्चों प्रोडक्ट जो बनेगा उसको देख लीजिए, तो मैं आपको कलर चौक से दिखाता हूं थोड़ा, देखिए CH3 यहां पे बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा एंड इट विल बी CH3 ट्राइमिथाइल लग जाएगा यहां पे। ये देखिए सर ये बन गया आपका कीटोन, यही तो था आपका प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होता है पिनाकोलोन। तो क्लियर हुआ आपको, ये बन गया आपका पिनाकोलोन और ये था आपका पिनाकोल। क्लियर बच्चों? तो ये है इसकी मैकेनिज्म। क्लियर? दोबारा से ब्रीफिंग करता हूं एक बार, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा यानी कि H+ जो है वो कंबाइन हो जाएगा OH के साथ में, अगले स्टेप में वाटर रिमूव हो जाएगा, पानी निकलेगा, बनेगा कार्बोकैटायन, उसमें होगा मिथाइल शिफ्ट। सर याद रखिएगा, सर कई बार एग्जाम्पल वेरी करते हैं, वहां फिनाइल भी हो सकता है, H भी हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका सब्सट्रेट कैसा है। तो यहाँ पे ये मिथाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहां पर अगले स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन जो कि लेस स्टेबल होता है,
फिर वहां पे एच प्लस का रिमूवल हुआ और बन गया आपका कीटोन, बोले तो पिनाकोलोन। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए ये क्वेश्चन हमारा यूजलेस है, मीनिंगलेस है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस पर कमांड नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन भी वहीं से आता है। तो आइए यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं दे आर कॉमनली नोन एज 1,2-glycol। क्लियर है? एडजेसेंट पोजीशन पे दो OH लगे हैं, देखिए यहां पर OH है, तो ये भी 1,2-glycol का एग्जांपल है। सर जो हमने डिस्कस किया है अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो फर्क दिखाई जरूर पड़ेगा, और वो फर्क क्या है कि यहां पर देखिए जिस कार्बन पे दोनों OH लगे हैं क्या दोनों की नेचर सेम है? दोनों पे मिथाइल लगा है। हाँ सर लगा है, इस वाले मिथाइल लगा है, पर इस वाले कार्बन में मिथाइल, दो मिथाइल नहीं है, एक मिथाइल है और एक फिनाइल है, तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल ग्लाइकोल। क्लियर हुआ? तो ये अनसिमेट्रिकल 1,2-glycol है, ये पिनाकोल जो है ये अनसिमेट्रिकल है। सेम इज हियर, आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन पे दोनों पे OH लगे हैं दोनों कार्बन का जो नेचर है वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, और दीज टू आर एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल। तो हम लोग यहां मेंशन जरूर करेंगे बच्चों, और मेंशन क्या करेंगे? अनसिमेट्रिकल। तो ये थोड़ा सा अलग है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनसिमेट्रिकल 1,2-diol या 1,2-glycol कर लेते हैं बच्चों, 1,2-glycol। क्लियर है? इसका भी एग्जांपल यही होगा, इसका नाम भी कॉमनली यही बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एग्जांपल भी कहलाएगा अनसिमेट्रिकल 1,2-diol या ग्लाइकोल, जो आपका मन करे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब आपको बताना है कि यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। पॉज कीजिए, सोचिए, पेंसिल उठाइए, बनाइए, डिस्कस करते हैं कुछ देर के बाद। बच्चों आपने सोच लिया क्या बनेगा, तो आइए डिस्कस करते हैं, चेक कीजिए आप क्या बनाए हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे डाईओल, ये जो ग्लाइकोल है कंपाउंड, दोनों OH में से किसी का भी डाईओल में से क्या हो सकता है? प्रोटोनेशन हो सकता है। सर प्रोटोनेशन करने के साथ में आप वाटर निकालेंगे और क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो बच्चों इसका भी हो सकता है और यहां से भी वाटर बन के OH निकल सकता है, जहां से भी आप निकाले निकल जाएगा, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब सिमेट्रिकल हो, लेकिन हमारा केस कौन सा है? अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, रिएक्शन विल गो थ्रू द स्टेबल कार्बोकैटायन। बस यही क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करता है, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल देगा तो क्वेश्चन और ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर आप देखिए कि अगर यहां से OH निकलता है तो यहां से जो कैटायन बनेगा वो कैसा होगा? तो मैं आपको मोर स्टेबल के थ्रू लेके चलता हूं, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर इसको फिनाइल लिख दिया, बेंजीन रिंग को फिनाइल लिखते हैं आप जानते हैं, और मैं सीधा यहां पर आपको लेके जा रहा हूं पॉसिबल इंटरमीडिएट। तो देखिए बच्चों, ये बना हमारा, और यहां पे चार्ज आ गया प्लस। क्या क्लियर है आपको? एंड वाटर कम्स आउट। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, वाटर यहां से निकला है, प्रोटोनेशन यहां पे हुआ है, प्रोटोनेशन यहां पे हुआ है, और ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। बच्चों यहां पे देखिए, ये बेंजाइल है, ये कार्बन जो है बेंजाइलिक है, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल है, तो अगर आप यहां से निकाल रहे हैं तो वो गलत होगा, कैटायन यहां पर नहीं बनाना है, OH यहां से नहीं निकालना है, OH यहां से निकालेंगे, क्योंकि जो बनने वाला कोरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन है दैट विल बी बेंजाइलिक एंड मोर स्टेबल। अब उसके बाद आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बना दिए होंगे बच्चों, पूरा कीजिए। अगले वाले में क्या होगा? सर मिथाइल शिफ्ट होगा, तो इसको बच्चों 1,2-nucleophilic शिफ्ट भी बोलते हैं। आप इस वर्ड से अवेयर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जानिए इसको। जो यहां से मिथाइल शिफ्ट होता है उसको 1,2-nucleophile शिफ्ट भी बोलते हैं, यानी कि यहां से सर यहां से कोई भी मिथाइल आप घुमा दीजिए। सर मैं ये घुमा देता हूं, तो बच्चों आपको पता है कि जब ये जाएगा तो यहीं पर एक आप सीधा ये स्टेप भी दिखा सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटा, यहां पे कार्बन की एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी रह जाएगी, सेम टाइम यहां से OH के बॉन्ड जो है वो यहां पे शिफ्ट होंगे, यानी यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जी, आप देखिए PHCCH3 बच्चों, और यहां पर आगे आपका मिथाइल, और बच्चों यहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और यहां बचेगा CH3। क्या ये आपको क्लियर है? दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या होता है? पिनाकोलोन। तो ये था पिनाकोल अनसिमेट्रिकल, और ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर है पिनाकोलोन? ये एग्जाम में बनता है। अब आप ये किए होंगे
तो आइए बनाते हैं सर, कहां से बनेगा सर? पहला स्टेप बताइए क्या होगा सर? पहले स्टेप में वॉटर विल लिबरेट, वॉटर विल कम आउट। सर वॉटर कैसे निकलता है? वॉटर निकलता है, सवाल वही है कि कहां से वॉटर निकालना है। पहले स्टेप में वॉटर निकलेगा, तो आप देखिए यहां पर OH है, यहां पर OH है, तो अगर ये वाला OH वॉटरी फॉर्म में निकलता है तो प्लस चार्ज यहां पर आएगा, और जब प्लस चार्ज यहां पे आएगा और ये कार्बन कौन सा होगा? बेंजाइलिक होगा, एंड इट विल बी मोर। बच्चे काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्यों ना यहाँ पे मिथाइल कर दें। क्लियर है आपको? तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे मिथाइल किया है, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। अब आप देखिए यहां पर जो बनेगा कार्बोकैटायन वो कैसा होगा सर? वो कार्बोकैटायन होगा बेंजाइलिक, एंड दैट इज मोर स्टेबल। तो बच्चों ये आपने कुछ ऐसा बनाया होगा, आप बोले तो मैं इसको पीएच लिख लेता हूं, यहाँ पे मिथाइल कर देता हूं। क्लियर है आपको? और साथ में यहाँ पे लगाते हैं प्लस चार्ज, तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। क्लियर हुआ? अब अगले स्टेप में क्या होता है सर? अगले स्टेप में सर, अगले स्टेप में होगा 1-2 न्यूक्लियोफिलिक शिप। सर यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर तो एच भी नहीं है। अरे सर ये तो स्पेशल केस हो गया, ध्यान से देखिए, ये रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगा। 5 मेंबर रिंग है, आपको पता है 5 मेंबर रिंग से, हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा रिंग एक्सपेंशन का, आपको क्लियर जरूर होगा। तो आप जानते हैं 5 मेंबर रिंग जो होता है वो स्ट्रेंड रिंग होता है, और 6 मेंबर जो होता है वो लेस स्ट्रेंड होता है, स्टेबल होता है। तो 5 मेंबर जो छोटी रिंग होती है वो कन्वर्ट होती है बड़ी रिंग में, ताकि उनका स्ट्रेन कम हो जाए, ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो अब क्या होगा सर यहां पर रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? सर यहां से या तो यहां से करें या यहां से करें, यहां से ये खुलेगा रिंग और ये वाले बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होंगे। क्लियर हुआ? और ये जो आप देख पा रहे हैं कि जब अब ये देखिए 5 मेंबर रिंग है, इसके अंदर ही बॉन्ड टूट के यहां पे जाएगा तो रिंग हो जाएगी 6 मेंबर। तो मैं 6 मेंबर रिंग के थ्रू जाऊंगा, ये बन गया 6 मेंबर रिंग। बच्चों यहां पे OH लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा, ये देखिए OH है यहां पर, और ये कार्बन इसके साथ कंबाइन हो गया है। सर यहां पे क्या है? सर यहां पे मिथाइल है, सर यहां पे फिनाइल है, और सर एक चीज तो रहेगा ही सर, प्लस चार्ज। यहां पे ये बन गया हमारा, ये देखिए नया कार्बोकैटायन, देख पा रहे हैं आप? सर यहां देखिए, यहां पर 1, 2, 3, 4 कार्बन की चार वैलेंसी पूरी हो रही है, एच नहीं है, और जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा इसकी वैलेंसी 3 रह जाएंगी, 1, 2, 3 आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, इसलिए क्या आयन बनेगा? प्लस चार्ज बियर करेगा। सर अब देखिए क्या होगा, अब आपको देखना है कि सेम टाइम यहां पे थोड़ा सा अगर आप बोले तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, और इसी टाइम क्या होगा सर, ये देखिए यहां से ये प्लीज अंदर से मत कर दीजिएगा, यहां से मत कर दीजिएगा सर, साइक्लोहेक्सीन, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए आपको कराया है। अब आप देखिए क्या निकलेगा, माइनस एच प्लस, और सर ये वही है एसिड कैटलिस्ट जो आपने रिएक्शन के स्टार्ट में लिया था, वो वापस आपको मिल चुका है। अब फाइनली प्रोडक्ट देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, जिन लोगों का बनाया उनके लिए, जिन लोगों का बनाया उनको काफी अच्छा लगेगा कि दे हैव डन द प्रॉब्लम। जिनका नहीं हुआ प्लीज फोकस करें, एग्जाम में एम्स में जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और इनके कमांड करना आपको जरूरी है। क्या ये क्लियर हुआ आपको? तो सर क्या बन गया? कीटोन। तो बच्चों वही रिपीटिंग करता हूं, रिपीटिंग अगेन, जो शुरू में बोला था कि सर क्या बोला था कि सर पिनाकोल पिनाकोलोन एक स्पेशल रीअरेंजमेंट मेथड है, जिससे स्पेशल टाइप के कीटोन बनाए जाते हैं जो जनरल मेथड से पॉसिबल नहीं है। जनरली जो हम लोग बनाते हैं एल्कोहल से कीटोन, वो ऐसे कीटोन नहीं होते हैं, एंड दे नीड स्पेशल मेथड दैट इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर है बच्चों? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।